अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे खारी। बहुत ही आसान और झटपट बनने वाली रेसिपी है, बाजार से भी बहुत ही अच्छी रहेगी, घर पर बनाएंगे तो एक बार जरूर ट्राई करना आप लोग। इस तरह से बनाइए, बहुत ही जबरदस्त बनेगी। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप मैदा लिया है मैंने, नमक ऐड किया है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसी के साथ 1 बिग स्पून ऑयल डालेंगे हम इसके अंदर, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे उस तरह से अच्छे से। देखिए इस तरह से अच्छे से रफ करते हुए मिक्स करना है हमें, देखिए इस तरह से। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर एक डो बनाएंगे हम इसका, ज्यादा लूज नहीं, ज्यादा टाइट नहीं, मीडियम डो बनाना है हमें। इसे अच्छे से गूंदना है आटे को हमें, देखिए अच्छा सॉफ्ट है ये। अब इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे, तब तक हम बटर को मेल्ट कर लेंगे। अगर आप चाहे तो बटर या घी, तेल कुछ भी ले सकते हैं। मैदा ऐड किया है हमें 2 से 3 स्पून, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे उस तरह से। देखिए इस तरह से मिक्स कर लिया है मैंने, देखिए। अब इसे हम साइड में रख देंगे। जो हमारा डो सॉफ्ट हो चुका है, अब इसकी छोटी छोटी 5 लोई ले बना लेंगे हम उस तरह से। आपकी मर्जी, आप जितने भी लेयर बना सकते हैं। और हम इसे चपाती की तरह बड़ी कर लेंगे उस तरह से, बेलते हुए हम इसे बड़ी कर लेते जाएंगे। देखें अब इसे हम साइड में रखेंगे, इसी तरह से सारे बेल कर रख लेंगे। इस तरह से मैंने बेल लिया है। अब इस तरह से जो हमने बटर को मिक्स किया था आटे से, उसे इस तरह से लगाते जाएंगे, लगाकर एक कर ऊपर एक रखते जाएंगे उस तरह से। हमें थोड़ा थोड़ा सा लेते जाना है, पूरा अच्छे से अप्लाई कर लेना है। 5 इसी तरह से रख लेंगे हम एक के ऊपर एक। इस तरह से सारे लगा लेंगे हम, देखिए लास्ट 1 भी हो चुकी है, इसके ऊपर भी लगाएंगे हम सारा अच्छे से लगाकर। अब इसे हम थोड़ा सा फैलाएंगे हाथ की मदद से, देखिए इस तरह से। अब इसे फोल्ड कर लेंगे, देखिए इस तरह से फोल्ड करते जाना है हमें। देखिए इस तरह से चारकोनी फोल्ड करना है हमें, और इसे इस तरह फोल्ड कर हमें 10 मिनट के लिए हम इसे इस तरह से ही छोड़ देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। अब थोड़ा सा मैदा डाल लेंगे। अब इसे हम हल्के हाथों से बेलेंगे, ज़्यादा दबाकर नहीं बेलना है हमें, हल्का हल्का सा बेलना है, क्योंकि लेयर दब जाएंगे इसके इस तरह से। ज़्यादा पतला भी नहीं, ज़्यादा मोटा भी नहीं, मीडियम रखना है हमें इसको।
देखिए इस तरह से। देखिए मैंने इस तरह से इसे इतना मोटा सा बेल लिया है। अब इसे हम कट कर लेंगे इस तरह से, 1 से 1.5 इंच की साइज रखकर हम कट करना है इसे। इस तरह से सारा कट कर लेंगे। इस तरह से भी मैं इसका साइड का भी थोड़ा सा कट कर लूंगी। अब इसे हम इस तरह से भी इस पीसेस में कट कर लेंगे। आपकी मर्जी, आप जितने भी छोटे या बड़े कर सकते हैं। मैं इस तरह से कर रही हूँ, देखिए इतना मोटा रखा है मैंने। अब इसे हम डीप फ्राई करेंगे। कढ़ाई लिया है मैंने, कढ़ाई में डीप फ्राई के लिए ऑयल डाला है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। हम एक एक करके इसके अंदर डालते जाएंगे। गैस को हम मीडियम टू लो ही रखना है, क्योंकि हाई फ्लेम पर रहेंगे तो ऊपर से जल्दी से क्रिस्पी हो जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसलिए हमें मीडियम फ्लेम पर रखकर फ्राई करना है इसे, अच्छे से क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन कलर आए तक फ्राई करना है। देखिए किस तरह से फूल रहे हैं ये, बहुत ही झटपट और आसान बन जाएंगे खारी। घर पर बनाइए, बहुत ही अच्छे से बनेंगे। बाहर से भी अच्छे टेस्ट रहेगा इसका, घर पर बनाएंगे तो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सारे हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। देखिए बहुत अच्छे से बन रहे हैं ये। इसे बनाना बहुत ही आसान है। देखते जाइए। बहुत ही झटपट आसान बनने वाली रेसिपी, बच्चे बड़े सबको पसंद आएगी। एक बार जरूर ट्राई करना आप लोग। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।